हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 15 तक, जो कि थी सेलिनियम एप्लीकेशन की न्यू एडिशन पर बेस्ड और चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ने 15 क्वेश्चन टच कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि है वन अपॉन कॉस ए प्लस वन, या यू लिखो कि वन अपॉन वन प्लस कॉस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस कॉस ए। इसे हमें प्रूफ करना है टू टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल में। ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें नोट क्या करना होता है, पहले एलएचएस तो हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस कॉस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस कॉस ए। अब क्या करोगे, देखो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का तुम्हें सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई। हालांकि लास्ट वीडियो में हम लोग देख लीजिए मैं, तो वन प्लस कॉस ए और फिर हो जाएगा वन माइनस कॉस ए। देन वन माइनस कॉस ए का वन से मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद वन प्लस कॉस ए का वन से मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर लिखो वन माइनस कॉस ए, उसके बाद वन प्लस कॉस ए और बीच में हो जाएगा यहाँ पर जो यहाँ पर साइन लिखा हुआ यानी प्लस। फिर वन माइनस कॉस ए प्लस वन प्लस कॉस ए अपॉन, याद रखो ए प्लस बी ए माइनस बी, हम लोग को पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर नोट कर लो फिर से ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर प्लस कॉस ए सॉरी माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए कैंसिल, तो वन और वन हो जाएगा एड, जो कि वर्ड देखो हम लोग को टू आ चुका है। नीचे वन स्क्वायर का मतलब हो गया वन और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख दो कि वी नो दैट कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का यूज कर लो, यहाँ पर पुट कर दो टू अपॉन इसके प्लेस पे क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए जब ऊपर आएगा तो हम जानते हैं यहाँ पर कि वन अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है कॉस ए के, क्या होता है कॉस ए के। तो जब साइन ए यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऊपर आएगा कॉस ए हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पे यहाँ पर और ये हमें प्रूफ करना होगा, यानी हो जाएगा आर एच एस सेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है अपॉन कॉस ए के प्लस वन प्लस कॉस ए के सपॉन कॉस ए के माइनस वन इक्वल्स टू प्रूफ करना है तुम्हें टू टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 17 और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि होने वाला अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ अपडेट कर लो, यहाँ पर देखो माइनस वन है और यहाँ पर प्लस वन है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, दोनों तरीके से आंसर सेम होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एचएस नोट कर लो कॉस ए का वन। अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पर हम लोग कॉस ए को बिना ओपन किए यानी बिना उसके रेसिप्रोकल फॉर्म से हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। तो अपॉन हो जाएगा कॉस ए प्लस वन, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हो जाएगा कॉस ए के माइनस वन ये हो जाएगा कॉस ए के माइनस वन और ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए के प्लस वन। फिर कॉस ए के का कॉस ए के प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में हो जाएगा कॉस ए के मल्टीप्लाई किसके साथ होगा कॉस ए के प्लस वन के साथ, उसके बाद कॉस ए के माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन कॉस ए के साथ। ये सारी चीज़ हम लोग पिछली वीडियो में कवर करते आ रहे हैं। कॉस ए के माइनस वन बीस में तो साइन तो होना देखिए प्लस है यहाँ पर प्लस। अब क्या करना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मल्टीप्लीकेशन करना है कॉस ए के का कॉस ए के से करो यहाँ। कॉस ए के और कॉस ए के दो टर्म्स जब सेम होते हैं और मल्टीप्लाई नहीं होते हैं तो उनका हो जाता है स्क्वायर। फिर कॉस ए के का मल्टीप्लीकेशन वन से, देन कॉस ए के प्लस वन सॉरी प्लस बीच में ये हो जाएगा साइंस का। अब उसके बाद यहाँ से प्लस उसके बाद कॉस ए का फिर से कॉस ए से मल्टीप्लाई, फिर से दो टर्म जब सेम होते हैं तो उसका हो जाता है स्क्वायर। अगेन कॉस ए का मल्टीप्लीकेशन वन से हो जाएगा कॉस ए के बीच में जो साइन है वो लगा दो यानी वन से। अब वन में क्या है फिर से देखो ध्यान से, आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज हो रहा है जो कि है ए माइनस बी और जो कि है ए प्लस बी, ब्रेक होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट कर लो ये होगा कॉस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर।
अब ध्यान से देखो यहाँ पर, प्लस कॉस ए के माइनस कॉस ए के कैंसिल, कॉसेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा ऐड, तो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर। टू कॉसेक स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉसेक स्क्वायर है माइनस वन और वन का स्क्वायर वन ही रहता है। अब याद होगा आपको आइडेंटिटी पढ़ाई गई होगी कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ए बोलो या थीटा बोलो बात वही है, क्योंकि हमें जो अदर टर्म होते हैं। अब जैसे देखो अगर वन को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें कॉसेक स्क्वायर ए के पास शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। दैट मीन्स कि कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पर, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख दो टू ऊपर हो गया कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर होगा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू से स्क्वायर। बिल्कुल टू का तो हो चुका है इंतजाम, कॉसेक और कॉट को यहाँ पर चेंज करना है। तो एक चीज यहाँ पर लिख दो, दिस इज वी हो दैट कॉसेक इक्वल टू होता है अगर कौन सा ही सेम कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन। यानी इससे पहले अभी तक हम लोगों ने रेसिप्रोकल का यूज नहीं किया था, हम लोग बिना रेसिप्रोकल का यूज किए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर फाइनल टर्म है तो ओपन करना पड़ेगा, तो वे जैसे मल्टीप्लाई साइन ए कट गया, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पर लिखा हुआ है टू कॉस स्क्वायर अपॉन ये हो गया कॉट स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया वन अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉट का मतलब हो गया सॉरी कॉसिक का हो गया वन अपॉन साइन और कॉट का हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। और होल अपॉन कौन सा है जानते हैं हम लोग, ये होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और उसके बीच में बिल्कुल होल अपॉन, फोर थिंग्स और सेकंड थिंग्स कैंसिल हो जाती है, मतलब डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, बचा क्या तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ टू और नीचे बचा हुआ अपॉन है कॉस। और हम फिर से जानते हैं कि वन अपॉन कॉस मतलब वन कॉस होता है साइन के इक्वल, सॉरी यहाँ पर सेक किसके इक्वल होता है सेक, ये होता है सेक यहाँ पर लिखो सेक सेक। अब क्योंकि स्क्वायर ही मिलेगा स्क्वायर और ये हमें प्रूफ हो जाता है, तो हेंस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।